अजमेर जीआरपी ने 8 किलो 48 ग्राम सोना ट्रेन से चोरी होने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी ने आबू रोड सिरोही के रहने वाले दलपत सिंह उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया है, जो इस मामले में छठा आरोपी बताया जा रहा है। इससे पहले 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो अभी जेल में है। इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार है। जीआरपी थाने के एसआई मनोज कुमार ने बताया कि इस मामले में माल की बरामदगी केवल 550 ग्राम सोना व 650 ग्राम चांदी की हुई है। इस मामले में फरार 3 आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। वहीं आरोपी दलपत को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 30 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है। इस रिमांड के दौरान आरोपी से माल बरामदगी का प्रयास करने के साथ ही आरोपियों के विषय में भी पूछताछ की जाएगी। प्रकरण संख्या 5/19 जिसमें 8.48 किलोग्राम सोने के आभूषण से बैग भरा जो चोरी हुआ था, उसमें एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये जो आरोपी है, इसका नाम दलपत सिंह उर्फ राहुल सिंह सोलंकी है। पिताजी का नाम वाघ सिंह, जाति राजपूत, उम्र 22 साल, निवासी देलवाड़ा, पुलिस थाना आबू माउंट, जिला सिरोही। ये वारदात में शामिल था। जो वारदात के वक्त ये ट्रेन में बांद्रा उदयपुर ट्रेन के अंदर सूरत से बैठा था, जो वारदात कर करके निम्बाड़ा से उदयपुर गया, उदयपुर से फिर वापस आ करके ये भी फरार चल रहा था। फरारी के दौरान हमें सूचना मिली थी कि ये महाराष्ट्र में है। फिर हम यहाँ से डिप्टी साहब, सीआई साहब, मैं और कॉन्स्टेबल मान सिंह जो गए वहां पर तलाश किया, तो वहां से निकल गया था। श्रीरामपुर में जाके पता किया तो वहां से एक दिन पहले ही निकल गया। फिर इसके पीछे पीछे हम आए और आबू रोड में आकर के इसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में इससे पूछताछ की तो इसने वारदात में शामिल होना बताया। शामिल होने के बाद फिर इसको गिरफ्तार किया, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 30 तारीख तक इसको पीसी में रखा गया है। इसका रोल ये था कि जो मेन अभियुक्त दीपक जोशी है, उसने इसको मुंबई से फोन करके कहा था कि भाई तू मेरे को सूरत के अंदर मिलना, ट्रेन के S2 कोच में चढ़ना। फिर ये S2 में गया, फिर दीपक जोशी ने इसको S4 में भेजा। इसने पूरी निगरानी रखी उसमें माल पे, और निम्बाहेड़ा पे जब ट्रेन रुकी, रुकने के बाद में फिर ये दीपक जोशी, सुरेश बिश्नोई और इसने मिलकर के बैग उठा करके और ये भगे वहां से। भगने के बाद ये फॉर्चूनर गाड़ी थी उसमें बैठे, बैठने के बाद ये उदयपुर गए। उदयपुर से जाकर के फिर ये अलग अलग हो गए सभी। अभी तक जो माल की बरामद की हुई है उसमें लगभग 550 ग्राम सोना और 650 ग्राम चांदी ये बरामद हुई। अभी मूल वारदात के 3 आरोपी बाकी हैं। इसके अलावा जहां माल बेचा गया है उन दुकानदारों की भी तलाश जारी है, और जो शेष माल है उसकी बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं।